नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। पूरे पटना में जोरदार बारिश हो रही है लगातार। मौसम विभाग भी अलर्ट रहने को कह रहा है। लोगों को भी लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घर से ना निकलें। चारों ओर पानी भर गया है, जलजमाव की स्थिति हो गई है। गांधी मैदान का नज़ारा भी लगातार इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ऊंचाई से देखिए किस तरीके से, अगर हम बात करें गांधी मैदान की, तो पूरा गांधी मैदान जलमग्न हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि जो गंगा जी हैं वो गांधी मैदान में ही आ चुके हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम ये दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव के घर में भी जल जमाव हो चुका है। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से सांसद महोदय के घुटने भर तक पानी पहुंच चुका है। लेकिन सांसद महोदय हार नहीं मान रहे हैं। जितने उनके कार्यक्रम हैं वो लगातार अपने कार्यक्रम की ओर कूच कर रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में ना हार मानने की जो ये कला है उनकी, ये तारीफ़ काबिल है। लेकिन जिस तरीके से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई है पटना में, वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां दे रही हैं। लोगों के लिए दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और इससे सांसद भी अछूते नहीं रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार हम अब तक पहुंचा रहे हैं। पटना की तस्वीरें हैं, ये गोरिया टोली की तस्वीरें हैं, जहां पर पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव का घर है। उनके घर में भी जल घुस गया है, पानी घुस गया उनके घर में और घुटने भर तक पानी में। देखिए किस तरीके से सांसद महोदय अपने घर के बाहर जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जायजा लिया है, फिर घर से बाहर निकलने के बाद फिर वो तैयार हुए हैं। उन्होंने हार नहीं माना है, वो अपने कार्यक्रम की ओर कूच कर गए हैं। जिस तरीके से पटना में लगातार बारिश हो रही है, एक तरफ मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी समीक्षा कर रहे हैं, सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि मौसम विभाग पर भी हमारी पैनी नज़र है, क्या कुछ अपडेट निकल के आता है, उससे तो हम आपको अपडेट रखेंगे ही। एक तरफ जहाँ चारों ओर लोगों का जीना बेहाल है, लोग घुटने भर पानी में सड़क पर निकले हुए हैं, जिन्हें काम है वही निकल रहे हैं। लाइफस्टीज भी अपील कर रहा है उन लोगों से जिन्हें अभी कोई काम नहीं हो घर से बाहर, तो व्यर्थ ना निकलें घर से बाहर। आम लोगों के साथ साथ सांसद महोदय को भी फजीहत उठाना पड़ रहा है और उनकी जो दृढ़ता है वो भी काबिल तारीफ़ है। आप लाइफस्टीज देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।